माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल को लेकर श्री किशन रेड्डी जी आए, उसमें श्री अधीर रंजन चौधरी जी से लेकर जसवीर सिंह जी तक 18 इस सदन के सम्माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने पक्ष में रखे, कुछ लोगों ने विपक्ष में रखे, कुछ लोगों ने तथ्यात्मक रखे, कुछ लोगों ने राजनीतिक तरीके से रखे, और मैंने सबको करीब करीब ध्यान से सुना है। जो नहीं सुन पाया, इनकी नोट भी यहां बैठकर मैंने अफसरों से जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे साथी एमओएस से प्राप्त हुई, उसको मैंने पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को, सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझे, राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया, एक साल लगभग लगभग सब कुछ बंद रहा है, और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, याना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है, मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए, आ गया, अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है, और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुप्रत किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का, और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है, सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे, और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी, मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता, इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाए, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया, मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो।
और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70-80-100 वकील एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा, मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मनसा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एगमुट में क्यों लेकर आए? जरा एगमुट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही ना होती। ये सारे राज्य है और एगमुट कैडर के अंडर में है, जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एगमुट कैडर के है वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओएसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते हैं। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? कहीं का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओएसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे, वो यूपीए की सरकार चली गई है, ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है, कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ संभलने के लिए समय चाहिए था, अब फाइन न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी, 2G और 4G आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई।
मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था, कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का, ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती, ये सरकार देश के हित में फैसले करती है, ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक। मान्यवर, इन्होंने कहा कि लोकल अफसरों का अधिकार चला जाएगा, मुझे कोई समझाए भला, देश भर में आईएएस आईपीएस अफसर भेजे जाते हैं, लोकल अफसरों का अधिकार चला जाता है क्या? चला जाता है तो जम्मू कश्मीर में कैसे चला जाएगा? दादा आप ज्यादा पढ़ नहीं सकते, अब मैं समझ रहा हूं, देश भर में यही रेशियो है, आपके बंगाल में भी ये। क्यों अलग रखना? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्यों अलग रखना? और क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूलों में पढ़ाते, स्कूल जला न दिए गए होते, मदरसों के अंदर बच्चों को जाने के लिए मजबूर न करते, तो कश्मीर के बच्चे भी आज आईएएस और आईपीएस अफसर बने। स्कूल किसके टाइम में जल गए? और मेरा हिसाब ले रहे हैं, मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, कितने लोग मर गए, ये हो गया वो गया। मनीष भाई, कांग्रेस का शासन याद करो क्या होता था, हजारों लोग मारे जाते थे, सालों तक कर्फ्यू रहता था। और परिस्थिति का आंकड़ों के आधार पर जरा आकलन करो, मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि तू मैं होती है। कश्मीर में शांति बहुत बड़ी चीज है और जो अशांति का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता। भगवान करे कभी ऐसी अशांति वहां न हो, और नहीं होगी क्योंकि अब हमारा शासन। मान्यवर, मसूदी साहब कहते हैं 80% जगह पर डायरेक्ट रिक्रूट रखें। तो भाई डायरेक्ट रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं है? देश के हर राज्य की स्थिति है मान्यवर कि डायरेक्ट रिक्रूट अफसर होते हैं, इसका एक प्रो रेटा है, प्रमोशन होता है जब लोकल अफसरों का, तो वो भी जगह लेते हैं। और ये देश का, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पर बना है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये कहना कि 80% अफसर बाहर के, कोई बाहर का नहीं है, सभी भारत माता की संतान है, इसी भारत में जन्मे हुए, बाहर का क्या होता है? नई पैटर्न और नई फैशन विकसित करिए, बाहर का है। दादा आपको नहीं कह रहा मैं, मान्यवर ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पर देश में भलाई नहीं होगी। मसूदी साहब कह रहे हैं कि आपने बोडोलैंड को ये दे दिया, मणिपुर को ये दे दिया, कश्मीर को क्यों नहीं? अरे मसूदी साहब,
जरा सच बोला करिए, आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो, सभी एकॉर्ड निकाल कर कर दीजिए, किसी को अलग संविधान नहीं दिया है, किसी को अलग झंडा नहीं दिया है, किसी को धारा 370 नहीं दी है। और ये तो हमारा वादा था देश की जनता को 1950 से कि इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, और आज मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसको समाप्त कर दिया। मान्यवर, इन्होंने विकास की काफी सारी बातें करी और मैं भी करना चाहता हूं कि धारा 370 से क्या मिला इसका हिसाब वजीरे दाखला दे, गृह मंत्री दे, तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है, पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने, जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, दलित गरीब और पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे, मगर कश्मीर में आज तक राजे रानी के पेट से ही पैदा होंगे। ये तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, तीन परिवार के लोग ही शासन करते थे, और इसीलिए उनको धारा 370 शूट करती थी। मान्यवर, हमने पंचायत के चुनाव कराए, अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव हुए, लगभग 51.7% वोटिंग हुई, कहीं पर भी गोली नहीं चलानी पड़ी, और मान्यवर शांतिपूर्ण मताधिकार का प्रयोग हुआ। कांग्रेस के शासन के चुनाव कैसे हुए थे मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, परंतु कोई आरोप नहीं कर सकता, हमारे विरोधी भी आरोप नहीं कर सकते कि चुनाव में घपला हुआ, इस चुनाव में अशांति हुई, इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया। सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है, और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है, और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए, साफ। कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर, दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव किए, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ। मान्यवर, कुल 4483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 35029 क्षेत्रों से 33000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुन कर आएंगे जो विकास में मानेंगे। मान्यवर, ये जो चुनाव हुए इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता, सभी वहां के सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से इस देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी ने जो करने की इच्छा रखी थी उसको आप सब ने मिलकर पूरा किया है। और सिर्फ चुनाव कराकर हम नहीं रुके, मान्यवर, उनको अधिकार दिया है, उनको बजट दिया है। पहले 5000 रुपया भी सरकार से मांगना पड़ता था सरपंच को, ऐसी स्थिति थी। आज उनको हमने स्थिरता प्रदान की है, पंचायतों को सुदृढ़ किया है, वहां पर अफसर भेजे जा रहे हैं, 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है, और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया।
मध्यान्ह भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, ICDS पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी दिया, अभी अभी जो निर्णय करा है LG साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी दिया। देश में कहीं नहीं है, इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास कर रहे थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो किया है, नीचे तक सत्ता को परकोलेट करने का काम किया है, वो धारा 370 हटाने के कारण हुआ है, 70 साल तक नहीं हो सका था। माननीय महोदय, BDC के अध्यक्ष तो DM के समकक्ष स्थान दिया गया है। उग्रवादी घटना में मारे गए किसी भी निर्वाचित सरपंच पंच BDC अध्यक्ष के लिए 25 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की है और क्षमता संवर्धन के लिए उनकी ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराया है, क्योंकि काफी नए हैं लोग, वहां परंपरा ही नहीं थी, नई परंपरा स्थापित हो रही है। तीन की ट्रेनिंग की भी बड़ी व्यवस्था की कर दी गई है और स्थानीय निकायों के चुनाव भी कराए गए। मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मान्यवर कहते हैं कि क्या फर्क आया, फर्क मैं बताता हूं। पहले जम्मू और कश्मीर जहां पर भी राजधानी होती थी श्रीनगर, वहां पर भी सारे अधिकार सेंट्रलाइज थे। अब अफसरान कभी गांव में नहीं जाते थे, चुने हुए प्रतिनिधि जाते थे, MLA जाते थे, मगर अफसरान नहीं जाते थे। हमने सारे राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित पंचायत के अंदर 2 दिन और 1 रात का निवास करना कंपलसरी करा, माननीय अध्यक्ष जी, और वहां जाकर जमीनी स्थिति वो देखने लगे। उनका उद्देश्य है, उनको काम दिया गया है, वहां विकास के काम जो अटके हैं, जो कमी है, जो कमियां हैं, उसकी लड़ी को जोड़ने का उनको काम दिया गया है, पंचायत को सशक्तिकरण करने का। और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब के अंदर, तालाब तो था मगर पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर गए थे। ऐसे 20,000 से ज्यादा काम ढूंढे गए और 18,000 कामों की स्वीकृति दे दी है और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, 3 बार ये कार्यक्रम हुआ है और बड़ा सफल हुआ है। पूरे जम्मू और कश्मीर में इससे बड़ी जन भागीदारी नहीं हुई। 5 लाख से अधिक मृत्यु, जन्म, दिव्यांगता, अधिवास, ये प्रमाण पत्र वहीं मौके पर दिए गए। 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत, राजधानी में जाने की जरूरत ही नहीं। और ये निरंतर चलने वाला है। मान्यवर, ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। और मेरा शहर मेरे गौरव के तहत ये शहरी विकास के लिए भी किया है। माननीय, विकास का काम को जहां तक गति देने का सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू कश्मीर उच्चतम प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत सहा है। उनके दर्द को मैं कुछ शब्दों में सिर्फ यहां बयान नहीं कर सकता, माननीय, बहुत सहा है। इसलिए लगभग प्रधानमंत्री विकास पैकेज PM योजना की जो घोषणा हुई, उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए की परिव्यय की 54 योजनाएं थी, 54 योजनाएं थी, और लगभग उसको बढ़ाकर 26% और बढ़ाए गए। 20 परियोजनाएं जिनमें से 7 केंद्रीय की थी, 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है। तो 20 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है 54 में से, और बाकी 8 परियोजनाएं ये लगभग मार्च के अंत के पहले पूरी हो जाएगी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। IIT जम्मू ने
अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है और द रिंग रोड जम्मू को 2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को घाटी को जोड़ने का काम भी समाप्त करेंगे। दादा 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। चेनाब पुल 359 मीटर ऊंचा, चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया गया, निर्माण चालू है, अगले साल पूरा हो जाएगा। शहरी परिवहन के लिए लगभग 10,599 करोड़ रुपए का DPR तैयार कर दिया गया है। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम को भी 4 वर्ष में हम पूरा करेंगे, जिसके जम्मू और कश्मीर में 2 कॉरिडोर होंगे। परियोजना के DPR को अंतिम मूल आकार दे दिया है। मान्यवर, बहुत बड़ी संभावनाएं हाइड्रो पावर की जम्मू कश्मीर के राज्य में थी, मगर उसका दोहन नहीं होता था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक से नहीं चलता। आप जो कह रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो, अफसर चाहिए वहां। हम जम्मू कश्मीर को मंथर गति से चलाना नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर के विकास को द्रुत गति से चलाना चाहते हैं। इसीलिए अफसर चाहिए, इसीलिए अफसर भेजना चाहते हैं। प्रचुर जल संसाधन है माननीय वहां पर, प्रचुर, लगभग 14,867 मेगावाट की तरासी गई जल विद्युत की क्षमता है। उसमें से 70 साल में 3504 मेगावाट का दोहन किया गया है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, 14,000 में से 3500, और अभी जो 17 महीने का हिसाब पूछते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ 17 महीने में, 70 साल में 3504 और 17 महीने में 3490 मेगावाट का काम शुरू कर चुके हैं। एक बाजू आपकी 4 पीढ़ी ने जो काम किया है वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है, 1.5 साल के अंदर, ये मालूम होना चाहिए। पिछले 2 वर्ष में लगभग 3000 मेगावाट की जो बंद पड़ी हुई परियोजनाएं थी इसको भी चालू करने का काम किया है, और 3300 मेगावाट की नई शुरू करेंगे। पाकाल दुल 1000 मेगावाट की है और कीरू 626 मेगावाट की है। सावला कोट 1856 मेगावाट, दूलहस्ती दूसरा चरण 258 मेगावाट, उरी एक दूसरा चरण 240 मेगावाट, और छोटी बिजली पन बिजली योजनाएं लगभग 12 मेगावाट की है जो 123 करोड़ की लागत से है। मान्यवर, मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता था, मगर मुझे उकसा कर हिसाब मांगा गया, मैं भी क्या करूं, इसलिए मैं डिटेल बताना चाहता हूं। सबके लिए बिजली बन तो जाएगी, पहुंचेगी कैसे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में घर तक होना चाहिए। इसलिए हमने सौभाग्य के तहत जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है, कर चुके हैं मान्यवर। और 357,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, ये 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। ये हिसाब मांगते हैं मान्यवर में। इस वर्ष 36 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाकर LOC पर स्थित केरन और मुंदियान गांवों को भी, जो अंतिम गांव थे, उसको भी बिजली से जोड़ने का काम हमने समाप्त कर दिया। पहले वहां डीजल जनरेटर से सिर्फ 3 घंटे बिजली सरकार की ओर से दी जाती थी, अब 24 घंटा बिजली पहुंचे ऐसी व्यवस्था करी। मान्यवर, बिजली के साथ जीवन की महत्वपूर्ण एक जरूरियात है, ये 4G को मानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं जल बहुत महत्वपूर्ण है, जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के हिसाब से 4G जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मगर हमारी मान्यता अपनी जगह स्थिर है, 4G भी जरूरी है मगर जल अत्यंत जरूरी है। इसलिए सितंबर 22 तक सभी 18.16 लाख परिवारों को पाइप के द्वारा घर में पानी पहुंचाने की योजना समाप्त हो जाएगी। और जब मैं ये कह रहा हूं तब पूछेंगे भी आप तो 22 की बात कर रहे हो, अभी 4 जिलों में 100% घर में पानी पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर चुके हैं और 22 तक बाकी के जिलों का काम
हम करेंगे। इसके साथ विद्यालयों, आंगनवाड़ियों और शिक्षा संस्थानों को, अस्पतालों को भी हमने जोड़ने का काम किया। माननीय, हमने तय किया है कि 2021 के अंदर ही 5300 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें 700 किलोमीटर कश्मीर में और 4600 किलोमीटर जम्मू में, और हर गांव को 2022 आजादी के 75 साल तक सड़क से जोड़ने का काम भी हम जम्मू कश्मीर में पूरा कर देंगे। इसका बजटरी प्रोविजन भी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये हमेशा 370-35 ऐसे झुंझुने पकड़ाते थे, ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जो लोग बसते हैं, इनकी स्वास्थ्य की चिंता क्या की है तीन परिवारों ने, मैं पूछना चाहता हूं। 70 साल तक आपने शासन किया, जम्मू कश्मीर के अवाम के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया, लेकर आइए हिसाब और हमारे एमपीओ के साथ चर्चा करिए। माननीय, मैं सदन को गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार के कालखंड में और 17 महीनों में, जो 17 महीने बोलते हैं, इसमें हमने जम्मू कश्मीर के पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी भेज दी है, जिसमें से 754 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। माननीय, 75 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 22 तक 39 परियोजनाएं पूरी हो जाएगी, जिसमें श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला नया मातृत्व अस्पताल, जम्मू में नए हड्डी और जोड़ के अस्पताल, जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लॉक, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण जिसके तहत आता है, और माननीय अध्यक्ष जी, देश भर के 60 करोड़ गरीबों को मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत का आशीर्वाद देकर 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। माननीय, मसूदी साहब पूछते थे क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया, एग्रीमेंट नहीं पढ़ते, शासन का एग्रीमेंट होता है जनता के साथ। अरे भाई, एग्रीमेंट तो कागज पर होता है, जम्मू कश्मीर तो हमारे दिल में है, दिल में। देश भर के अंदर मान्यवर 5,00,000 तक की स्वास्थ्य योजना, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जानी जाती है, पीएम जय के नाम से जानी जाती है, वो गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए सेहत योजना लाए, जम्मू कश्मीर में कोई करोड़पति हो या रोडपति हो, सड़क पर रहने वाला हो या बड़े से बड़े महल में रहने वाला हो, हर एक को 5,00,000 तक की सुविधा आरोग्य की हमने देने का काम किया। और माननीय, मैं देखता था, मैं कार्यक्रम में उपस्थित था वर्चुअल तरीके से, लोगों की आंख में आंसू थे। एक बूढ़ी महिला कश्मीर घाटी की मां बता रही थी कि 70 साल तक हमारा किसी ने चिंता नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने आकर हमारी चिंता की, अब मुझे इलाज कराने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मेरी सरकार वहां बैठी है जो मेरा इलाज कराएगी। माननीय, ये जो हमने किया है, लगभग हर एक व्यक्ति को सेहत योजना के तहत कवरेज देने का काम किया है, और मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर बहुत कम राज्यों में से एक राज्य है जिसका हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया गया है। माननीय, कोविड के खिलाफ लड़ाई भी इसी समय में हम लड़े, जो 17 महीने का हिसाब मांगा जाता है इसी के तहत लड़े, और सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन एलजी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। टीकाकरण का काम भी बहुत स्मूथ तरीके से घाटी और जम्मू दोनों तरफ चल रहा है। माननीय, एम्स की स्थापना की है, 2 एम्स बनाने का काम किया है, और लगभग 2,000 करोड़ रुपया एक एम्स का, 4,000 करोड़ रुपया एम्स के लिए भारत सरकार ने यहां भेजा है, इसकी शुरुआत हो गई है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 70 साल में 3 थे, 17 महीने में 7, अनंतनाग, बारामूला, रजौरी, डोडा, कठवाड़ा, हंदवाड़ा और उधमपुर, ये 7 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुआ है, और 5 मेडिकल, उसमें से 5 का एक
टेम्पररी परिसर के अंदर शिफ्ट व्यवस्था के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का कामकाज भी हमने शुरू कर दिया है। राह नहीं देखिए इसको सिविल अस्पताल के और 22-23 में और 2 मेडिकल कॉलेज भी हम चालू कर देंगे। लगभग हम 1100 बच्चे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर बनकर जम्मू कश्मीर के गरीब की सेवा करें, इस तरह की व्यवस्था। आप हमें पूछ रहे हो हमने क्या किया, कभी इतनी संवेदना के साथ किया था? 370 का झुनझुना दिखाकर शासन करते रहे 3 परिवार मान्य, कितने सालों तक शासन किया। जो असुविधाएं थी, जो कष्ट था, जो दुख था, उसको एड्रेस करने का इन्होंने कभी काम नहीं किया। मान्य अध्यक्ष जी, एक BSc नर्सिंग कॉलेज भी हम वहां चालू कर गए हैं, मंजूरी दे दी है, और 5 नए नर्सिंग कॉलेज को हम वहां स्थापना करने का प्लान रखे हैं। कि राज्य कैंसर संस्थान भी हमने शुरू किया है, एक श्रीनगर में और दूसरा GMC जम्मू में। और माननीय राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने लगभग अलग अलग 115 योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद इस देश के दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, इनके लिए बनाई थी, मगर उसका वहां पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। जब से राष्ट्रपति शासन लगा तब से लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है। 3,57,405 लाभार्थियों को कवर दे दिया गया है। PM उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने समाप्त कर दिया। उजाला योजना के तहत 79.54 लाख लाभार्थियों को घर में उजाला करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100% शत प्रतिशत घरों को आज मुक्त कर दिया गया, ODF डिक्लेयर कर दिया गया। मानवर शत प्रतिशत स्वच्छ भारत अभियान का 100% इंप्लीमेंट हुआ है। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, इसके लगभग 8 लाख लाभार्थी, पहले 16 थे अब 8 लाख हैं। LPGDBT बजट, लगभग 31.77 लाख लाभार्थी हैं। KCC ऋण और प्रधानमंत्री किसान योजना का लक्ष्य जो दिया गया था वो पूरा हो गया है। हर किसान को अब 6,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में किसी बिचौलिए के बगैर मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसके अतिरिक्त 2019-20 में जो छात्रवृत्ति थी, इसका कवरेज इस 17 महीनों में 3 गुना कर दिया है। 8 लाख छात्रों को DBT के माध्यम से प्री और पोस्ट छात्रवृत्ति मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, चालू वर्ष के दौरान December 2020 तक हमें लक्ष्य रखा है कि और 9.5 लाख लोगों को छात्रवृत्ति के कवरेज में लेकर आएंगे। माननीय मनीष जी ने कहा कि जम्मू में इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई है और ये इसी कालखंड में हो गई। मनीष जी, सिर्फ रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए कह रहा हूं, ये फैक्ट्रियां बंद होने का जो रेंज है वो 18 साल का है। 18 साल में बंद हुई सभी फैक्ट्रियों का आंकड़ा आपने 17 महीनों के अकाउंट में डाल दिया है, तो रिकॉर्ड जरा क्लियर रहना चाहिए। हैं? नहीं, 18 साल से जितनी बंद हुई है उसका आंकड़ा इन्होंने 17 महीनों में डाल दिया, इसलिए मैं रिकॉर्ड क्लियर कर रहा हूं। मान्यवर, अब ये कहते थे कि 17 महीनों में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के उद्योग के लिए सबसे बड़ा हर्डल था, वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसको भूमि नहीं मिल सकती थी। धारा 370 हटाई, उसके बाद में जमीन के कानून के हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाए। 6 महीने पहले ही हम कार्यक्रम कानून लाए और अब मिल पाएगी, इसलिए उद्योग भी आएंगे। और उद्योग को आने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन पैकेज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार लाई है, अप्रूव किया है, और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। माननीय, उनको मालूम है कि कोविड के कारण पूरे विश्व में मंदी है। मनीष जी पंजाब से आते हैं, जरा पंजाब के आंकड़े लेकर आ जाए, यहां पर आपकी सरकार है। राजस्थान के लिए आंकड़े लेकर आ जाओ, छत्तीसगढ़ के आंकड़े लेकर आ जाओ, ये सबसे जम्मू कश्मीर के अच्छे हैं जहां तक मंदी की बात है। मगर मान्यवर, ये मंदी की बात कर रहे हैं,
मंदी के लिए पूछ रहे, पहले तो इंडस्ट्री लगती नहीं थी, बाद में मैं आता हूं उस पर। आपके शासन में 12 साल तक पूरे स्कूल बंद रहे, पूरा स्कूल, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में रख ही दिया। और अब आज हमसे हिसाब मांग रहे हो भैया, तनिक ढंग से तो सोचो कि हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मान्यवर, ये 4G की रोते हैं, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे। 4G, 2G, 1G, 0G, जी कोई जी की जरूरत, मोबाइल ही बंद था, सिम कार्ड ही बंद था मान्यवर। और ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम जो मान्यवर योजना लेकर आए हैं, अब हमने एक वहां, यही लोग यहां जो कहते हैं इंडस्ट्री नहीं आई, वहां जाकर अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी जमीनें चली जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता, ये नरेंद्र मोदी सरकार। ये जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योग के लिए, ये जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। तो एक लैंड बैंक बनाइए। मैं आगे आता हूं इस विषय पर। मान्यवर, हम जो पैकेज योजना लाए हैं, इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपया 2027-37 तक का पूरा इसका व्याप रखा है। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और तीनों प्रकार की हम इसमें सहायता देने वाले हैं। मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, इसको 500 करोड़ रुपए तक के ऋण पर, लगभग जो ऋण होगा इसको 6% ब्याज पर ही भारत सरकार देगी, 6%, जिससे उसको उद्योग लगाने में बड़ी सहायता हो जाएगी। GST के लिए भी हमने बहुत सारा अच्छा पैकेज में आयोजन किया है। जो उसके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी उद्योग की, इसके 300% तक उसको GST रिफंड किया जाएगा, पूरा का पूरा 300%। तो एक मायने में ये जितना 100 रुपया लगाएगा तो 300 रुपया इसको सरकार GST के माध्यम से वापस दे दी। मगर इसको हमने सब्सिडी इसलिए नहीं बनाया है, पूछेंगे फिर सब्सिडी क्यों नहीं बनाया, कि फर्जी उद्योग न लगे। मान्यवर, GST तभी भरा जाता है जब उद्योग चलता है। उद्योग चलता है तो रोजगारी मिलती है, उद्योग चलता है तो बिजली की खपत होती है, उद्योग चलता है तो बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी लगती है। जो उद्योग चलाएगा उसको 100 रुपया लगाने पर 300 रुपया तक का GST वापिस दे दिया जाएगा। मान्यवर, हमने उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी देने का छोटे उद्योगों के लिए हमने प्रावधान किया है। और मैंने जो कहा लैंड बैंक, आपको आश्चर्य होगा कि 29,030 कैनाल का लैंड बैंक बनाया है, जो सरकारी है। किसी भी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति का कोई जमीन नहीं जाना है। ये 29,030 कैनाल जो है, इतना ही है। जब हम इसके लिए रोशनी लेकर नहीं आएंगे, रोशनी लेकर अंधेरा नहीं करेंगे। आपने तो सरकारी जमीन जो थी रोशनी के नाम पर अपने चट्टों बट्टों में बांट दी, हमने उसका लैंड बैंक बनाया और अब इंडस्ट्री को देंगे तो इंडस्ट्री इसके अंदर विकसित होगी, रोजगार मिलेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, GST मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी और जम्मू कश्मीर एक आश्रित राज्य की जगह एक अपने आप पर आत्मनिर्भर राज्य बने, इस दिशा में हम आगे बढ़े। मान्यवर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हमने बहुत आगे बढ़ाया है, इसका मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। युवाओं के लिए नौकरियां, त्वरित भर्ती अभियान भी हमने चालू कर दिया है। वर्ग 4 में 10,000 रिक्तियां चिन्हित की गई है और 8,575 रिक्तियों सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापित कर दी गई है। मान्यवर, इसमें बहुत चिट्ठियां चलती थी, कितनी योग्यता है इसके आधार पर नौकरियां नहीं देते थे, चिट्ठियों से नौकरियां बांटी जाती थी। हमने इस सारी नौकरियों को सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञापन देकर भरने का निर्णय किया है और जो लास्ट 3 और 4 है उसमें मेरिट से आधार पर नौकरी मिलेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मान्यवर, लगभग 14,161 पदों के लिए सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन कर दिया है और 2050 पदों के लिए लिखित परीक्षा, मैं क्लास 1 और 2 की बात कर रहा हूं, शुरू हो गई है और 324 उम्मीदवारों का चयन कर दिया गया है। मान्यवर,
लगभग हमारा अंदाज है कि कुल मिलाकर 2022 के पहले 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सृजन कर 25,000 युवाओं को हम पारदर्शिता के साथ नौकरी देंगे। मान्यवर बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर बैंक को 15,000 छोटे छोटे ऋण के मामले दिए गए और ये मामले पहले भी दिए जाते थे मगर सिर्फ सूची रह जाती थी। मुझे कहते हुए आनंद है कि लगभग 4600 महिला सहित 13,000 मामलों को लोन देने का काम भी 15,000 में से 13,000 मामलों को लोन देने का काम भी समाप्त कर लिया गया है। वो अपनी छोटी छोटी इकाइयां चालू कर रहे हैं। युवा उद्यमियों के लिए 242 करोड़ का और लोन दिया गया है। मिशन यूथ के तहत भी ढेर सारे काम किए हैं। उनको क्रिकेट का फुटबॉल का किट दिया गया है। बहुत सी चीजें मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता। आविष्कार नवाचार और इंक्यूबेशन और प्रशिक्षण केंद्र, इसके माध्यम से भी हम क्षमता निर्माण का काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आईटी टावर्स जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह, श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह ग्रामीण बीपीओ भी स्थापित किए जाएंगे। आईटी टावर्स भी बढ़ाए जाएंगे और जो हस्ताक्षर किए हैं मुझे पूरा विश्वास है कि एक साल के अंदर ये आईटी टावर अपना काम करते रहेंगे। महत्वपूर्ण सुधार भी बहुत किए हैं, चाहे वो विद्युत का क्षेत्र हो, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो और वित्तीय सुधार का हो। जम्मू कश्मीर में मान्यवर सबसे बड़ी तकलीफ थी कोई सुनवाई नहीं होती थी। जो सरकार आती थी उसके लोगों की ही सुनवाई होती थी। अभी एक वैज्ञानिक तरीके से जम्मू कश्मीर एलजी ने अपने खुद के स्तर पर संस्थागत तंत्र और व्यक्तिगत बैठकें कर तहसील तक की सभी फरियादें जम्मू कश्मीर एलजी तक आ जाए, इस प्रकार का एक साइंटिफिक खाका तैयार किया है। इससे छोटे से छोटे व्यक्ति की यहाँ पर फरियादों की सुनवाई की है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो अंबेडकर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि राजे रानी के पेट से नहीं आने चाहिए, जनता के वोट से आने चाहिए। जब रानी के पेट से राजा आता है तब जनता की दरोकार नहीं करता है, जनता की सरोकार भी नहीं करता है, ना उसकी सुनवाई करते हैं। मगर वोटों से चुने हुए लोग जब बैठते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी पर दादा ने टिप्पणी की, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दादा, आप भी पार्टी न बदले होते तो आज तक कई बार हार चुके होते। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, इसीलिए जीते। मान्यवर, एक अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए भी बहुत बड़ा हो हल्ला हुआ था। आपकी नागरिकता चली जाएगी, बहुत सारे लोग बाहर से घुस जाएंगे, हो जाएगा फला, हो जाएगा ढिकमड़ा, हो जाएगा। मैं कहता हूं अब तक 33.44 लाख परिवार को प्रमाण पत्र, व्यक्ति और परिवारों को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है, ना कोई लाइन लगी है, ना कोई। मान्यवर, नया भूमि कानून लाए तो उसमें भी था आपकी जमीन चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। कोई ला दे मुझे बता दे किसकी जमीन चली गई। ये बिहार में भूमि कानून नहीं है तो कोई बंगाल से आकर बिहार की जमीन ले लेगा। मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात में कोई भूमि कानून नहीं तो महाराष्ट्र से आकर कोई गुजरात की जमीन खा जाएगा। कैसे ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है भाई, कुछ नहीं हुआ। आज इंडस्ट्री को आने का बहुत अच्छा वातावरण ये नए भूमि कानून के कारण हुआ है, जिसका जम्मू कश्मीर की जनता ने भी स्वागत किया है। और माननीय, मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ, पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी, पश्चिम पाकिस्तान के, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हुए रेफ्यूजी और 6642 वाल्मीकि परिवार के परिवार, 792 गोरखा परिवार और 43 अन्य परिवार, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर उनके साथ सालों से जो अन्याय होता है क्या उसको हमने समाप्त किया। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये दुनिया भर के अच्छे लोगों के बोले हुए कोट अनकोट यहाँ पर कोट करते हैं। कोट अनकोट तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोले हैं, वो उनका है कोट अनकोट। मगर जब आप पैर में पहनने वाला गहना
कानों में पहन देते हो तो अच्छा नहीं लगता। जो कोट अनकोट आप बोले गए हैं मान्यवर, वो सुसंगत हमारे शासन के लिए नहीं है। अन्याय के, मानव अधिकार के लिए जितनी भी सारे बातें होती है, हमारे शासन के लिए नहीं है। ये तीन परिवारों ने जो शासन किया उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में आए उनके लिए सीमित नहीं है? जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए सीमित नहीं है? इनके लिए नहीं है? जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है? जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे उनके मानव अधिकार नहीं है? क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती हैं? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। हम मानव अधिकार को मानव अधिकार की दृष्टि से, कितना भी विरोध, साहस नहीं है आपने ये कहने का कि वाल्मीकि को वहां मताधिकार मिलना चाहिए था। जो पाकिस्तान से शरण में आया है उसको मताधिकार मिलना चाहिए कहने का साहस नहीं है आपने, क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, चुनाव जीतना चाहते हो। आप में साहस नहीं है कि वाल्मीकि माता चौथी पेढ़ी आ गई उसको नौकरी नहीं मिल सकती, ना वाल्मीकि बच्ची को नौकरी नहीं मिल सकती, इसका अधिकार नहीं। इसके मानव अधिकार के पास आपके लिए शब्द भी नहीं है, संवेदना भी नहीं है, मगर हमारे लिए शब्द भी है, कृति भी है और संवेदना। मान्यवर, रोशनी जैसे कानूनों को रद्द कर दिया गया, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हो रही है, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार का कानून ही नहीं था वहां। ये पूछ रहे ना 370 क्यों होता है, वहां पर रिजर्वेशन नहीं होता था मान्यवर, वहां महिलाओं को अधिकार नहीं था, वाल्मीकि लोगों को अधिकार नहीं था, ट्राइबल को अधिकार नहीं था, ओबीसी को अधिकार नहीं था, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं थी, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, क्यों रोक लगाना? ढेर सारे कानून, देश के अच्छे बने हुए कानून, दहेज के लिए कोई कानून नहीं था। और आप हमें समझा रहे हो कि 370 को क्यों हटाया? मान्यवर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग 26,319 विस्थापित और 5,300 विस्थापित जो युद्ध के समय आए, छंब के 10,065 विस्थापित, पश्चिमी पाकिस्तान के 5,764 विस्थापित, कश्मीरी प्रवासी जिसको बहुत संवेदना के साथ अपने अधिरंजन जी बता रहे थे, 44,000 कश्मीरी पंडित, मैं आज उनको बताना चाहता हूँ, यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए, कांग्रेस का शासन था, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई इसलिए विस्थापित, अपने देश में ही विस्थापित होकर रह गए थे। इनको 13,000 हम निःशुल्क राशन देते हैं, पुनर्वास के अंक के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है, 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। 3,000 लोगों को दे चुके अधिरंजन जी नौकरी, ऑलरेडी दे चुके, 70 साल में एक दिया है तो बताओ, एक। और 6,000 लोगों का घर बनाने की योजना भी, जमीन भी आवंटन कर दी है, बजट का भी आवंटन हो गया, प्रक्रिया चालू हो गई। और प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले के लिए देश भर में रिजर्वेशन किया गया है। मान्यवर, पहाड़ी भाषी जनसंख्या के 1,74,000 लोगों को आरक्षण नियम संशोधित कर 4% आरक्षण, ये 370 हटने के कारण मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के गाँव के 70,000 लोगों को, यही सदन में मैं ही बिल लेकर आया था, जिनको रिजर्वेशन दिया है, पहले नहीं दे सकते थे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 1.16 लाख लोगों को अब आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि 1.16 लाख बीपीएल परिवार को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो 370 के कारण नहीं मिलता था। 1500 सफाई कर्मचारी परिवारों को पूरा अधिकार देने का काम किया है। आप हमें पूछ रहे हो क्या किया? मान्यवर, 370 जाने से जम्मू कश्मीर में
किसी के साथ अन्याय हो इस संभावना को ही समाप्त कर दिया गया है। माननीय शिक्षा प्रशिक्षण और करियर के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। माननीय संवैधानिक और कानूनी मामलों में भी जहां तक लद्दाख का सवाल है, मेरे युवा साथी नांगम्याल यहाँ है, मैं इतना कहना चाहता हूं 2014-15 से 19 तक 4,164 करोड़ रुपया की धनराशि जम्मू कश्मीर सरकार के थ्रू लद्दाख में गई थी। हम कितना भेजे उसका महत्व ही नहीं था, वो लद्दाख पहुंचती नहीं थी। तो 14 से 19 के बीच में 4,164 और 31-10-19 मतलब 370 जाने के बाद अधिरंजन जी 31-3-20 तक 3,318 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। जो 5 साल में मिलता था वो 17 महीनों में मिला है लद्दाख वालों को। मान्यवर इतना ही नहीं है, लद्दाख को 2 नए डिग्री कॉलेज दिए गए हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल और जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया, सब 17 महीने में ही हुआ सुमति जी। लद्दाख के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए टूरिस्ट सर्किट भारत सरकार ने बनाए हैं, 5 नए ट्रैकिंग रूट्स भी खोले गए हैं, सुदूर विद्यार्थी क्षेत्रों में सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर की व्यवस्था शुरू कर दी गई जिससे टूरिज्म बढ़े। लगभग लद्दाख में 7500 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र लगाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। ये लद्दाख के लोगों की लाइफलाइन होगी, ढेर सारे लोगों को रोजगारी मिलेगी। परंपरागत चिकित्सा प्रणाली उसको रिवाइव किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा की स्थापना नवंबर 2019 की कैबिनेट में कर दी गई है। कारगिल हवाई अड्डे के व्यवहार्य अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लद्दाख प्रशासन और अपने विमानपत्तन विभाग इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 28,870 ऐसे पौधे जो ठंडी में भी जिंदा रह पाए उनको लगाने का काम किया गया है। ई गवर्नेंस की दिशा में गांव तक ई गवर्नेंस पहुंचे इसके लिए ढेर सारी सुविधाएं कई ई स्टैंप शुरू कर दिया है, ई क्वाट फी शुरू कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी अनुमोदन कर दिया गया है। माननीय विकास पैकेज के तहत जो 80,000 करोड़ रुपया था उसमें इसका उचित हिस्सा भी लद्दाख को दे दिया गया है। और सभी राज्यों के जैसे यहाँ पर गुजरात भवन होता है, यूपी भवन होता है, बिहार सदन होता है, लद्दाख को भी 70 साल के बाद अपना भवन और सदन यहाँ पर मिला। भारत सरकार की कई सारी योजनाएं वहाँ पर थी उसमें लगभग 80% कवरेज कर दिया गया है। रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 11 पुलों और 578 किलोमीटर रोड का काम हाथ पे लिया गया है। जो जिला टनल का काम शुरू कर दिया गया है। रिमोट एरिया में टेली कनेक्टिविटी के सुधार के लिए 80 सेट फोन और 124 वास्ट स्थापित किए गए हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कारगिल में लेह में 500 KW के मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए गए, 11 KV की और 66.25 KM और 42 KM LT लाइन बिछाई गई है। 3 गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए हैं, 20-बेडेड अस्पताल कारगिल के अंदर बनाया गया है। ट्रेजरी सिस्टम की जगह PMFS लागू किया है जिसे अनुकूलता हो। लेह में 1,000 MT का कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम पूरा कर दिया गया है जिससे इतने ठंडी वाले प्रदेश में उनको कोई कठिनाई का सामना न पड़े। पश्मीना गुड्स की संख्या में लगभग 17 महीने में 8% वृद्धि दर्ज की है जो रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं बढ़ा गया। लद्दाख के पिछले क्षेत्र के लिए विकास पैकेज लगभग 50,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी तय कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में लद्दाख को मिलने वाला है। माननीय ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद क्या किया, मुझे इतना ही है कि आप धारा 370 को राजनीतिक रूप से बोलने की बजाय ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के साइट पर सारी डिटेल थी, अगर किसी ने स्टडी कर पढ़ा होता तो शायद अब तक बिल पारित भी हो गया होगा। ये पूछते नहीं ना, मैं जवाब देता, इन्होंने पूछा इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा माननीय। मगर मेरा इतना ही कहना है अभी भी
कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाए। बहुत सारी चीजें है राजनीतिक करने के लिए। आ जाइए राजनीतिक मैदान में, दो दो हाथ कर लीजिए, कोई नहीं डरता है जी, कोई नहीं डरता है। मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है, उनको कई बार घाव लगे हैं, शंकाएं कुशंकाएं उनके मन में पड़ी है, उस पर मरहम लगाना इस सदन का काम है, उसको खुरेदना हमारा काम नहीं है। छोटी सी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए हम कश्मीर को इस दृष्टि से न देखें। माननीय इस सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये तीन परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी, जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। इसका इस बिल से कोई लेन देन नहीं है, ये बिल से पूर्ण राज्य वापिस आने की कोई संभावना समाप्त नहीं होती है। इतनी स्पष्टता कर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर के आवाम और लद्दाख के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार परिपत्रों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार कानूनों से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार योजना से नहीं चलती है, नरेंद्र मोदी सरकार भावना से चलती है। और हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, आप हमारे हो, ये पूरा देश आपका है और आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इतना विश्वास देकर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और पूरे सदन को मैं विनंती करता हूं, कम से कम ये बिल को सर्वानुमत से हम पारित करें, इतना ही मेरा निवेदन है।